नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे सॉइल कोलॉयड्स और उसके टाइप्स के बारे में तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोलोइड का मतलब क्या होता है कलॉइड का मतलब होता है एक ऐसा टू फेज सिस्टम जिसमें एक तो ऐसा पार्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड है और वो किसी मीडियम में डिस्पर्स हो रहा है तो एक तो वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल और दूसरा उसका मीडियम तो जो फाइनली डिवाइडेड फ़ेज़ होता है उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज और जिसमें वो डिस्पर्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम तो हम बोल सकते हैं कि जैसे क्लाउड्स बने होते हैं क्लाउड्स में क्या होता है क्लाउड्स में लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं ठीक है तो वो लिक्विड किस में डिस्पर्स हो रहा है वो डिस्पर्स हो रहा है एयर में यानी कि एयर मतलब कि गैस तो लिक्विड अगर एयर में डिस्पर्स हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड इन गैस ओके तो इस तरह से बहुत टाइप से कोलॉइडल डिस्पर्स हो सकते हैं वो सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है लिक्विड इन गैस हो सकता है तो हम वैसे ही बात करेंगे सॉइल कोलॉइड्स के बारे में तो अगर हम सॉइल कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्लॉइड्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो वन माइक्रोमीटर से कम होता है उसका जो डायमीटर होता है अगर हम देखें कि हम क्ले को पूरी तरह से क्लोइड बोल सकते हैं या नहीं तो हमें पता है कि क्ले फ्रैक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइज़ टू माइक्रोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सारी क्लेस परफेक्टली कलॉयड होती हैं क्योंकि बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं पर जो पार्टिकल्स बड़े हैं क्ले के वो पार्टिकल्स भी कोलाइयडल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि कोलॉयडल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कोलाइड्स जो होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन फॉर्म नहीं करते जैसे कि हम किसी ऐसी चीज़ को किसी अगर हम क्रिस्टलॉइड को अगर हम ब्रेक करेंगे सपोज़ हमने उसे एक डिस्पर्जन मीडिया में या पानी में डिजोल्व किया तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनका क्या होता है वो क्या करते हैं एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं और वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं अपने लिक्विड फेज में पूरी तरह से डिफ्यूज़ हो सकते हैं अगर आप उन्हें पार्चमेंट पेपर या फ़िल्टर पेपर से आप उनको डिफ़्यूज़ करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से पास हो जाएंगे वो वहाँ रुकेंगे नहीं तो ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं जबकि जो क्लोइड्स होते हैं उनका क्या होता है उनका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक ट्रांसलूसेंट सा सॉल्यूशन बनाता है जो हाइड्रोजीनियस होता है क्योंकि वो उसमें उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं की अब क्या कर रहा है वो वो पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज़ भी नहीं होता और क्या करता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करता है ब्राउनियन मोशन शो करता है तो हमने देखा कि जो कलॉइड्स होते हैं वो सॉलेबल नहीं होते और वो सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में पूरी तरह सस्पेंडेड रहेंगे टेंडल इफेक्ट शो करेंगे इनका अगर हम चार्ज की बात करें तो इनका सरफेस चार्ज मोस्टली नेगेटिव होता है अब क्या होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस ये क्या करते हैं रिपेल करते रहते हैं रिपेल या अट्रैक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को तो उस वजह से क्या होता है ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं जिसकी वजह से अगर हम चेक करें तो हमें टेंडल इफ़ेक्ट भी दिखाई देगा ठीक है तो हमने यहाँ तक बात करी कि सॉइल कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आयनिक लेयर कैसे फॉर्म करते हैं क्यों क्योंकि इनमें चार्जेस हैं चार्जेस की होने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव लेयर्स फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से डबल आयनिक लेयर्स लेयर फॉर्म होती हैं और बहुत सारी अलग अलग टाइप की वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं अब ये जो लेयर्स फॉर्म हो रही हैं और इनकी जो एक्टिविटी है इन वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो सॉइल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रोसेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं आयनिक डबल लेयर की अगर हम बात कर रहे थे तो वो क्या होता है वो कुछ नहीं है उसमें एनायनिक और कैटाइनिक लेयर्स फॉर्म होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर एब्जॉर्ब होती हैं मतलब ये केवल सरफेस पर फॉर्म है सरफेस पे एनायनिक प्रॉपर्टीज़ और कैटाइनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो हो रही हैं एनायंस जो हैं वो कैटाइंस के साथ जुड़ रहे हैं ओनली एट द सर्फेस तो हम बोल सकते हैं कि ये एड्ज़ॉपशन होता है अब क्या होता है हमने देखा है कि जो हमारा क्ले है अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले में क्या होता है कि क्ले वॉटर वाटर को एड्ज़ॉर्ब करता है अपने से सर्फेस पर वो क्ले वाटर को एड्ज़ॉर्ब करती है उससे क्या होता है कि क्ले स्वेल होती है और जब वो वाटर को रिलीज़ करेगा तो वो श्रिंक होगी तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि श्रिंकेज और स्वेलिंग ऑफ क्ले ये किसकी वजह से होता है ये एड्ज़ॉप्शन की वजह से होता है और ये चीज़ें क्यों होती हैं क्योंकि क्ले एक क्लॉइडल पार्टिकल है और वो इस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से एडजॉर्प्शन होता है क्लटाइन एक्सचेंज क्या होता है तो जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे जो सॉइल के कलॉयड्स हैं उनके पास क्या होता है उनके पास चार्ज होता है अब क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हो सकता है कि कुछ कैटाइंस एग्जिस्ट कर रहे हो और वो कैटाइन्स जनरली हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं ठीक है तो वो हाइड्रेटेड कैटाइंस हैं तो वो हाइड्रेटेड हैं और वो कंटिनुअसली क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं जिसकी कहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं वो जो सॉइल क्लोइ है उसके आसपास वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका जो फॉर्म है जो वाइब्रेट कर रहा है उसमें से कोई एक कैटाइन निकलेगा सपोज़ उसमें जो भी चार्ज है उतने चार्ज का एक कैटाइन निकलता है और वो जाता है सॉइल कोलॉइड में और वहाँ पे उसी सॉइल कोलॉइड से उतना ही वो कैटाइन एक्सचेंज करेगा तो क्या होगा कि वो कैटाइन जाके एबजॉर्ब हो गया कहाँ उस कोलॉइडल सरफेस पे और उतना ही उस कोलायडल सरफेस ने कैटाइन रिलीज़ किया जो कि बाहर आ गया तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कैटाइन एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉइल कलॉयड्स कितने टाइप के हो सकते हैं सॉइल कलॉयड्स चार टाइप के हो सकते हैं पहला होता है क्रिस्टलाइन दूसरे हैं जो नॉन क्रिस्टलाइन हैं तीसरा जिनमें आयरन और एलूमीनीम है और चौथा जो ऑर्गेनिक है जिनमें क्या होगा हमारा मोस्टली ह्यूमस स्ट्रेट की बात करें तो वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें हर लेयर में दो से चार शीट्स हो सकती हैं जनरली ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं इनकी जो शीट्स होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं तो अगर हम देखें तो कि कौन सी सॉल्स पर डोमिनेंट हैं तो वो एंडी सॉल्स ऑक्सी सॉल्स और हिस्टोसॉल्स में डोमिनेट होते हैं इसमें होता क्या है ऑक्सीजन सिलिकन और एलूमिनियम टाइटली लेयर्स बनाते हैं इनकी जो शेप होता है चार्ज कितना है स्टिकीनेस प्लास्टिसिटी और इनका जो स्वेलिंग बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट क्लेस की तो उसमें आ जाएगा हमारा जनरली एलोफेन्स आ जाएंगे अब ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट क्लेस होते हैं ये वॉल्कैनिक सॉल्स में मिलते हैं जनरली एंडी सॉल्स में होते हैं इनमें क्या होता है इनमें सिलिकन एलुमीनियम और ऑक्सीजन आटम फाइटी बाउंड होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है क्रिस्टल चीट्स नहीं बनाते और जब ये वेट होते हैं तो ये मैलेबल भी होते हैं इनकी जो स्टिकीनेस है वो काफ़ी कम होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन और एलूमिनियम ऑक्साइड्स की तो जो आयरन और एलुमिनियम ऑक्साइड्स हैं ये जनरली उन सॉइल्स में पाए जाते हैं जहाँ पे वेदरिंग बहुत ज़्यादा है तो जिन सॉइल्स में वेदरिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो और ऑक्सीजन के साथ आयरन और एलुमिनियम जो हैं कुछ ऑक्साइड्स बना रहे हैं जैसे कि जियोथाइड वग़ैरह जैसे आयरन के साथ बना दिया तो ये जनरली उस जगहों पे पाए जाते हैं जैसे कि एल्फी सॉल्स हो गया अल्टी सॉल्स हो गया ऑक्सीसॉल्स हो गया तो इनमें ये ज़्यादा मिलेंगे इनकी प्लास्टिसिटी और स्टिकीनेस थोड़ी कम होती है इनका जो नेट चार्ज होता है वो स्लाइटली नेगेटिव से स्लाइटली पॉजिटिव होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा लास्ट जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स हैं जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमस की तो ये सबसे छोटे कलॉयड्स होते हैं और इनकी क्योंकि साइज़ बहुत कम है सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इनकी जो वाटर को रिटेन करने की या वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही ज़्यादा होते हैं और जनरली ये होता क्या है अगर हम ह्यूमस की बात करें तो होता क्या है लीफ टिश्यूज़ एनिमल रिमेन्स इन सब के जो लिस्ट सबसे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सब एक किस चीज़ से बने होते हैं कार्बन से कार्बन आइटम कहाँ कम्बाइंड होता है उसमें या तो वो रिंग्स बनाते हैं या चेन बनाते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ ये रिंग्स या चेन्स बना के ह्यूमस के क्लोइड्स हम देख सकते हैं तो इन, इनका पास पॉजिटिव चार्ज भी बहुत होता है और नेगेटिव चार्ज भी बहुत होता है पर इनका जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और पीएच के साथ वेरी करता है तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा सेशन से से जो सॉइल कोलॉइड्स का इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म होता है आगे भी हमारी सॉयल से रिलेटेड क्लोइड से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट हम कवर करेंगे तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं धन्यवाद